टेम्पटेशन आइलैंड एक ऐसा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है जो 2001 से लेकर अभी तक कई कंट्रीज में कई सीजन्स के साथ आ चुका है और अब ये आ रहा है इंडिया में पहली बार, जिसे होस्ट करने वाले हैं नन अदर देन करण कुंद्रा और मौनी रॉय। और शो में हिस्सा लेंगे 4 पॉपुलर रियल कपल्स और उनके बॉन्ड को चेक किया जाएगा कुछ हॉट स्मोकिंग सिंगल्स की हेल्प से। अब शो में क्या होता है, किसका बॉन्ड सही सलामत रहता है और किसका बॉन्ड टूट कर किसी और के साथ बनता है, वो तो हम जल्द ही देख लेंगे, पर तब तक नजर डालते हैं इस साल के 4 रियल लाइफ कपल्स पर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और चलो जानते हैं न्यू शो के ओल्ड कपल्स के बारे में। साक्षी श्रीवास और जस्टिन डीक्रूज। डांसर और कोरियोग्राफर जस्टिन और साक्षी की पहली मुलाकात स्प्लिट्सविला के सीजन 14 में हुई थी और दोनों का शो में इतना प्यारा कनेक्शन बन गया था कि साक्षी के एक्स बॉयफ्रेंड तारा प्रसाद की एंट्री भी इन दोनों के रिश्ते को हिला नहीं पाई। और अब इन दोनों के रिश्ते को लगभग 1 साल हो गए हैं और दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और अपने रिलेशनशिप को टेस्ट करने और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में खुलकर बात करने ये जोड़ी आ रही है टेम्पटेशन आइलैंड के सीजन 1 में। सोनाली मल्होत्रा और गौरव अलुग। गौरव को हमने रोडीज और स्प्लिट्सविला के कई सीजन्स में देखा है और उनकी गर्लफ्रेंड सोनाली एक पॉपुलर ब्लॉगर है और दोनों में 2018 से डेट कर रहे हैं, मतलब कि मोर देन 5 ईयर्स। और खबरें तो ये भी आ रही थी कि ये दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं, पर अपनी लाइफ के इतने बड़े स्टेप से पहले वो दोनों अपने रिश्ते का एक और टेम्पटिंग टेस्ट लेना चाहते हैं, इसलिए वो आ रहे हैं टेम्पटेशन आइलैंड में। अंकित अरोड़ा और डेजी बत्रा। अंकित और डेजी को हमने लव स्कूल 3 में देखा था साल 2018 में और तब उन दोनों के रिश्ते को लगभग 4 साल हो गए थे और अब की बात करें तो आज भी दोनों साथ में बहुत खुश हैं अपने रिलेशनशिप के 9 साल के बाद भी। अंकित और डेजी दोनों ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और साथ में अपना फैशन लाइफस्टाइल पेज चलाते हैं वॉग वैनिटी के नाम से, जहां उनके 4 लाख फॉलोअर्स हैं। मीडिया में कब से दोनों की शादी की खबरें बार बार आती रहती हैं, पर शादी से पहले ये दोनों कपल आ रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग बनाने टेम्पटेशन आइलैंड में। अब इन दोनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ और स्ट्रॉन्ग बनेगा या किसी और के साथ बन जाएगा, वो देखने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट यस, दे आर वन ऑफ माई फेवरेट कपल। मानव छापड़ा और उन्नति मल्हारकर। इस साल के लास्ट बट नॉट द लीस्ट कपल है मानव और उन्नति। दोनों 2018 में एक इवेंट के बैक स्टेज पर मिले थे और पहले काफ़ी अच्छे दोस्त बने। उन्नति को मानव का पंजाबी डांस बहुत पसंद आया था और इसी डांस स्किल्स ने इन दोनों को जोड़ के रखा है और मई 2021 में दोनों कमिटेड हो गए और आज इन दोनों के रिश्ते को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं। मानव ब्लॉगर के साथ साथ एक यूट्यूबर भी है जिनके यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और दोनों सोशल मीडिया पर साथ में ट्रैवल, फैशन और लाइफस्टाइल वीडियोस बनाकर डालते रहते हैं। आपकी इनमें से फेवरेट जोड़ी कौन सी है जिसके कनेक्शन को टेम्पटेशन आइलैंड के टेस्ट आपके हिसाब से बिल्कुल भी हिला नहीं पाएंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मिलूंगी जल्दी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।